अस्सलामुअलैकुम। आज मैं TP3118 और TP3128 का कंपैरिजन करूँगा। ये TP3118 है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। इस पे मैंने एक 4.7 ओम की रेजिस्टेंस लगाई हुई, क्योंकि ये 4 ओम में 60 वोट आउटपुट देने, यानी कि डेटा शीट के हिसाब से ये देगी 4 ओम में 60 वोट। हम इसको ये 24 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं। ये 24 वोल्ट की सप्लाई है, ये मीटर मैंने डीसी पे रखा हुआ है, और ये 24.42। इसके बाद जो हमारी इनपुट सोर्स है वो है एक लैपटॉप। इनके लैपटॉप पे ऑनलाइन टून जनरेटर है, 100% वॉल्यूम है इसके, और इसको मैंने 4.7 ओम का एक 50 वोल्ट का रेजिस्टर है, ये मैंने इस पर लगा दिया है एज अ लोड, क्योंकि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये रेजिस्टर्स जो होते हैं ये ज़्यादा बेस्ट रहते हैं स्पीकर के मुकाबले में। अभी ये मैंने स्पीकर अपने मीटर को मैंने AC पे कर दिया है, और इसको मैंने ऑन कर दिया है। मैं इसका आउटपुट पावर 17.93, यानी कि 17.93 वोल्ट AC। अब जो इसका फॉर्मूला है चेक करने का वो हम देख लेते हैं। 17.92 मल्टीप्लाई बाय 17.92 321 डिवाइडेड बाय हमारा जो जो हमारा स्पीकर या जो हमारा लोड है इसकी रेजिस्टेंस है 4.7 ओम, यानी कि ये IC जो है अभी 68 वॉट का आउटपुट दे रही है 4.7 ओम के रेजिस्टेंस में। यानी कि ये अगर आप 4 ओम की यूज़ करते हैं तो आपने इसको डिवाइड 4.4 ओम से करना है। फिर अब हम TP3128 का आउटपुट पावर चेक कर लेते हैं सेम तरीके से कि क्या वो भी सेम आउटपुट दे रही है, क्योंकि इनकी इनकी जो डेटा शीट है उसके हिसाब से इन दोनों का आउटपुट पावर सेम होना चाहिए। ये TP3128 वाला बोर्ड है, ये TP3128 वाला बोर्ड है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, इसको पहले मैं सप्लाई दे देता हूँ। ये साइड जो है इसकी ये सप्लाई वाली साइड है, क्योंकि यहाँ पर इसकी डायोड है, और डायोड से रिवर्स पोलरिटी का भी इसमें प्रोटेक्शन है। अगर इसमें हम रॉन्ग तार यानी कि उलट तार लगा दें, प्लस माइनस गलत लगा दें, तो फिर भी ये चल जाए, फिर भी मतलब यानी कि ये जले ना। ये हमारा ऑडियो का इनपुट आ गया माइनस, और ये हमारा प्लस का इनपुट आ गया ऑडियो का। ये हमारा स्पीकर है, मतलब ये हमारा लोड है, क्योंकि स्पीकर पे टेस्टिंग नहीं करते, लोड रेजिस्टर पे करते हैं। जितनी भी कंपनीज हैं टेक्स इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सब जो इनके EVM बोर्ड्स आते हैं वो भी रेजिस्टर वगैरह पे ही लोड प्रेफर करते हैं चेक करने को। तो ये हमारा बोर्ड लग गया TP3128 वाला, इसको मैंने ऑन कर दिया, ये इसकी लाइट ऑन हो गई है, और जो कि हमारा आउटपुट पहले 68.32 था। अब हम चेक कर लेते हैं कि इस IC पे कितना आता है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं 68.32 को। ये सेम ऑनलाइन टून जनरेटर मैंने खोला हुआ है, वॉल्यूम फुल है। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कितना दे रही है, ये सेम कंडीशन है तो बिल्कुल। ये हमने AC पे किया हुआ मीटर, यानी कि 17.93, ये भी सेम ही दे रही है। दोबारा देख लें, 17.7 दे रही है, ये 17.71, मतलब ये सेम आउटपुट पावर ही होगा
जो पहले हमारा 68 था, 17.7 मल्टीप्लाई बाय 17.7 डिवाइडेड बाय 4.7 जो कि हमारा रेजिस्टर का 66 वोल्ट। तो ये एटलीस्ट सेम है दोनों, क्योंकि 66 वोल्ट और 68 वोल्ट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, 2 वोल्ट का फ़र्क है और इतना हो सकता है। थैंक यू, अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।